श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि श्री स्तुति में आज सातवां श्लोक पढ़ने वाले हैं और जिसका अर्थ अवबोधन भी कराने वाले हैं। यत् संकल्पात् भवति कमले यत्र देहिन्यमीषां जन्मस्थेम प्रलयरचना जंगमा जंगमानां तत्कल्याणं किमपि यमिनां एकलक्ष्यं समाधौ पूर्णं तेजस्फुरति भवति पादलाक्षारसांकम्। सामान्यतः अनुष्टुप श्लोक में लक्ष्मी जी की स्तुति इंद्रकृत तो उपलब्ध है ही, वो बहुत अच्छा श्लोक है, स्तोत्र है, बहुत सरल है, सुलभ है। परंतु ये श्री स्तुति बहुत गंभीर भाषा में बनाई गई है, इसलिए इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा हम बहुत मेहनत करके समझ लेना चाहिए। विशेषतः ये श्लोक हम थोड़ा सावधान सुनेंगे तो ही समझ में आ सकता है। फिर से मैं श्लोक एक बार पढ़ूंगा, आप सबको ये सब सुन सुनकर कंठस्थ भी करने के लिए मैं पहले ही कहा था कि दास का रिकॉर्डिंग उपलब्ध है और जिसको मैं शेयर करने के लिए भी बोलता हूँ। यत् संकल्पात् भवति कमले यत्र देहिन्यमीषां जन्मस्थेम प्रलयरचना जंगमा जंगमानां तत्कल्याणं किमपि यमिनामेकलक्ष्यं समाधौ पूर्णं तेजस्फुरति भवति पादलाक्षारसांकम्। यत् संकल्पात् भवति कमले यत्र देहिनी अमीषां जन्मस्थेम प्रलयरचना जंगमा जंगमानां जन्मस्थेम प्रलयरचना जंगमा जंगमानां अभी ऐसा पदच्छेद है। तत् कल्याणं किम अपि यमिनां एकलक्ष्यं समाधौ पूर्णं तेजः स्फुरति भवति पादलाक्षारसांकम्। अद्भुत श्लोक है, आज बहुत ही आनंद आने वाला है सुनने वालों को। इस श्लोक को अन्वय प्रकार इस प्रकार है, कमले ऐसा संबोधन है, उसे पहले ले लेना। लक्ष्मी जी को पुकारने का शब्द है कमले, कमला ऐसा लक्ष्मी जी का नाम है, पद्मे स्थिता पद्मवर्णा ऐसा पद्म में ही रहने वाली है, पद्मा ऐसा भी नाम है, इसलिए कमला ऐसा नाम है भगवती लक्ष्मी जी के लिए, उसे पुकारते हैं कमले। यत्र देहिनी, इस संपूर्ण जगत का जगत को देह के रूप से संभालने वाले कौन हैं कि भगवान ही हैं, वही देही हैं। आत्मा यानी वो एक ही आत्मा है, बाकी सब उनका शरीर भूत है। यद्यपि हमारा स्वतंत्र आत्मा ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, परंतु ये सब आत्मा भी, जैसा चेतन वैसे ये आत्मा भी भगवान के लिए शरीरभूत है। निरुपाधिक आत्मशब्द वाच्य केवल परमात्मा है, आत्मशब्द से उपाधि के बिना, किसी उपाधि के रहित, उपाधि से मुक्त जो केवल आत्मशब्द है, उपाधि रहित आत्मशब्द है, वो तो परमात्मा में ही समन्वित होगा, बाकी कहीं भी आत्मशब्द औपाधिक ही है। इस चेतन जब तक इस शरीर में रहता है तब उसको आत्मा ऐसा व्यवहार हो सकता है, बाद में भी आत्मा व्यवहार होगा क्योंकि सूक्ष्म शरीर में है, शरीर संबंध है, बाद में दिव्य शरीर आ जाता है, इसलिए शरीर संबंध जहाँ है वो दिव्य शरीर हो अथवा सूक्ष्म शरीर हो अथवा स्थूल शरीर हो, वहाँ आत्मशब्द औपाधिक आत्मशब्द का व्यवहार।
भगवान का आत्मशब्द ही मुख्य व्यपदेश है, मुख्य व्यपदेश है। वो कैसे उसे समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं। आपनोति इति हि आत्मा, ऐसी व्युत्पत्ति है। सब जगह को स्वयं व्यापित व्याप्त रहने वाला एक तत्व है, तो वो आत्म तत्व कौन है? तो परमात्म तत्व ही है। ये शरीर को सिंपल हमारे लिए प्रदत्त शरीर को व्याप्त होकर रहता है, इसलिए इसको आत्म शब्द औपाधिक है, क्योंकि शरीर उपाधि है। हमारे लिए शरीर आने जाने वाला एक तत्व है, परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट नहीं है उसे उपाधि कहते हैं। तो कुछ हम उपाधि शब्द को कहाँ प्रयोग करते हैं? आंख में उपाधि है, अथवा कोई व्यक्ति कुछ सर्टिफिकेट लेता है तो उसे उपाधि कहते हैं। उपाधि डिग्री को उपाधि कहते हैं, क्योंकि ज्ञान अखंड ज्ञान अलग है। केवल एक सब्जेक्ट पढ़कर सर्टिफिकेट लेना उसमें, ये तो उपाधि ही है ना। उसी प्रकार आत्मशब्द जहाँ परमात्मा में व्यापक तत्व के रूप से विराजमान, सब चेतना चेतनात्मक प्रपंच को व्याप्त रहने वाला जो आत्मशब्द है, वही परमात्मा में मुख्य है। बाकी इस केवल प्रदत्त शरीर को व्याप्त रहने वाला तत्व को हम आत्मशब्द औपाधिक बोलते हैं। ऐसा समझना चाहिए, शास्त्रीय बात है। यत्र देहिनी, जिस देह में, जिस परमात्मा, जिस देहिनी, जिस आत्मा में, देही यानी आत्मा, देहा शरीर है, देही आत्मा है, देही देहिनौ देहिनहा, उसका सप्तमी विभक्ति देहिनी। जिस आत्मा में अमीषाम जंगमाजंगमानाम, इस दुनिया में हम जो देखते हैं ऐसे जंगम और अजंगम पदार्थ, क्योंकि जहाँ दो विभाग करेंगे तो तीसरा विभाग की ज़रूरत नहीं है। परस्पर विरुद्ध हो, विरुद्ध जैसा हो वैसा दो विभाग करें। जंगम का अपोसिट है अजंगम, स्थावर है, जंगम स्थावर है। स्थावर शब्द को इधर अजंगम शब्द से कहते हैं। स्थावर यानी एक ही जगह पे रहने वाला, जंगम यानी गमनशील है। गम शब्द वहाँ, इसलिए जंगम शब्द में भी गम शब्द, गम है, गम धातु है, गच्छतीति हेतो हो गम, गम यानि चलने वाला पदार्थ जंगम। जंगम स्थावर है, उसे अजंगम शब्द से कहते हैं। अर्थात चलने वाला पदार्थ हो, नहीं चलने वाला पदार्थ हो, इन सभी पदार्थों का तीन अवस्था होती है। पदार्थों के लिए तीन अवस्थाएं होते हैं, जन्म है, स्थिति है, प्रलय है। उसे इधर कहते हैं जन्म स्थेम प्रलय, इसके अलावा रचना। ये सब यत्र देहिनी, जिस परमात्मा में ही ये सब होते हैं, और जिसके संकल्प से ही होते हैं। उस परमात्मा के संकल्प के बिना उनमें रहना भी संभव नहीं है। इसलिए यत्संकल्पात् भवति, यत्संकल्पात् किं भवति, यत्संकल्पात् जिस परमात्मा के संकल्प से इस जंगम स्थावरात्मक पदार्थों का जन्म स्थिति प्रलय तीनों, इसके अलावा रचना, उनकी क्रियाएं, ये सब जिस भगवान में ही उन्हीं की संकल्प से होते हैं, तत् ऐसा जो चीज है, परमात्म तत्व है, वो किस प्रकार की है? कल्याणम, वो मंगलकर है, ऑस्पेशियस है, सब लोगों को क्षेम करने वाला तत्व है, सब लोगों को शुभ उत्पादन करने वाला तत्व है, स्वयं भी शुभ स्वरूपी है, कल्याणम। यमिनाम समाधौ, और कैसा तत्व है ये? यमिनाम समाधौ एकलक्ष्यम, जो महर्षियां तपस्या करते हैं, यमी शब्द से वो तपस्वी लोग बोले जाते हैं, क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादियों को उपाय के रूप से रखकर समाधि तक पहुंचने वाले जो महर्षियां हैं, उनको इधर यमी शब्द से कहते हैं। नियमयति इति यमिः, यमयति कंट्रोल करते हैं, इसलिए यमिः, मन को एकदम एकाग्रता ला सकते हैं ऐसे लोग यमिनाम समाधौ, उनकी समाधि में
अंतिम अवस्था में, अष्टांग योग में अंतिम अवस्था में समाधौ एकलक्ष्यम, जो जो परमात्मा ही एकमात्र लक्ष्य होते हैं, वो तो कल्याण शब्द से कहे हैं, जिनमें ही ये स्थावर और जंगमात्मक पदार्थों की सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि होते हैं, उन्हीं की संकल्प से उनमें ही होते हैं। ऐसे तत्व कल्याण रूपी जो तत्व है, यमियों को सन्यासियों को अथवा महर्षियों की तपस्या में एकमात्र लक्ष्य बनने वाली जो तत्व है, वाला तत्व है पूर्णम, वो सब जगह पे पूर्ण है, वो एकत्र नहीं है, सब जगह पे पूर्ण है। तो भी यमिनाम समाधौ एकलक्ष्यम, और महर्षियों की समाधि स्थिति में एकमात्र लक्ष्य बनकर रहता है, और कुछ नहीं देखना चाहते हैं वे लोग, परमात्मा को ही देखना चाहते हैं। ऐसा किमपि तेजहा, ऐसा एक तत्व जो है तेज पुंज रूपी तत्व है, वो भवती पादलाक्षार सांकम स्फुरति। वो तत्व कैसे है लक्ष्मी जी? इतना दूर तक वर्णन तो भगवान का है, अर्थात जिस जिनमें ये जंगम स्थावरात्मक जंगम अजंगम पदार्थों का सृष्टि स्थिति प्रलय उनकी क्रियाएं प्रवृत्त होते हैं, मंगल स्वरूपी है, यमिनाम समाधौ एकलक्ष्य है, ऐसे पूर्ण है, ऐसे जो तेजस है, किमपि तेजहा शब्द से, और अनिर्वचनीय तेज है, अर्थात जिसको वर्णन करना संभव नहीं है, ऐसा किमपि तेजहा, किमपि शब्द से उसकी अनिर्वचनीयता बताई गई है, अर्थात निर्वचन नहीं कर सकते हैं कि ये इस प्रकार की है, ऐसा कहना निर्वचन है, ये इस प्रकार की तेजस है ऐसा जहाँ नहीं कह सकते हैं, वो किमपि तेजहा अनिर्वचनीय तेज है। ऐसे तत्व भवती पादलाक्षार सांकम स्फुरति, आपके चरणारविंद में रहने वाली जो रंग है उससे लक्षित होती है, अर्थात भवती पादलाक्षारस, पाद में जो लाक्षारस है, पाद में जो मेहंदी का रस है, उस रस से चिन्हित होती है वो तत्व, जिस पर तत्व में संपूर्ण दुनिया अपना निवास, अपना स्थिति, अपने उत्पत्ति इत्यादियों को करती हुई और स्वयं भी क्रियान्वित होती है। ऐसे तत्व जो है वो आपका जो पादलाक्षार संकम स्फुरति, आपके जो चरणारविंद में रहने वाले मेहंदी के रस से अंकित होकर रहती है, अर्थात वो तत्व ऐसा रहता है, ऐसा मतलब है कि मेरी भाषा में बहुत गलतियां आते हैं और क्षमा करना, क्योंकि बहुत दिन हिंदी बोलने में च्युति हो, अर्थात बहुत विच्छेद आ गया है, बहुत काल से हिंदी नहीं बोला हूँ, इसलिए थोड़ा तकलीफ़ आ रही है, आप सहन करेंगे कि भाव को प्राधान्य रखेंगे। कमले यत्र देहिनी अमीषाम जंगमाजंगमानाम जन्म स्तेम प्रलय रचना यत् संकल्पात भवति, जिन्हीं की संकल्प से जिन्हीं की इच्छा से होती है और वो कल्याणमय तत्व है, मंगलमय तत्व है, महर्षियों की समाधि में लक्ष्य बनकर रहने वाली है, अर्थात जिनको ही देखने के लिए महर्षियां प्रयास करते हैं अपने समाधि में, वो सब जगह पे विराजमान, पूर्ण रूप से विराजमान, पूर्णमदः पूर्णमिदम् इत्यादि श्रुति प्रतिपादित किमपि तेजहा, हम अपने वाणी से बता नहीं सकें ऐसे रहने वाले भगवत तत्व है, भवती पादलाक्षार सांकम स्फुरति, आपके चरणारविंद में रहने वाले जो मेहंदी का रस है उससे अंकित होकर, उससे चिन्हित होकर स्वयं स्फुरति, और वो भी कैसे है, उसको आनंद आता है, भगवान को आनंद आता है, वो लक्ष्मी जी का चरणारविंद में रहने वाला जो मेहंदी का रस वो मेरे में भी दिखता है, देखो ऐसा उसे बहुत संतोष से उसे दिखा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, ऐसे आनंद ले रहे हैं, स्फुरति शब्द से वो आनंद लेना भी विवक्षित है इधर, क्योंकि वो चमकता है, वो चमकता तो इसी से चमकता है, और लक्ष्मी जी की पादलाक्षार सांक से अर्थात चमकता है,
वो भगवत तत्व है। ऐसा भगवत तत्व का वर्णन ज़्यादातर करके वो आपके ही चरणारविंद के रसांक से संतुष्ट होकर रहता है, ऐसा बोलने से लक्ष्मी जी की स्तुति ही की गई है अंततः। इसलिए श्री स्तुति में भगवान का गुण वर्णन तीन वाक्य में कहकर चतुर्थ वाक्य में ऐसे तत्व आपकी पादलक्षा रसांकम स्फुरति कहने से लक्ष्मी जी की स्तुति भी की गई है। श्लोक को फिर से एक बार देखें। यत् संकल्पात् भवति कमले यत्र देहिन्यमीषां जन्मस्थेम प्रलय रचना जंगमा जंगमानां तत्कल्याणं किमपि यमिनामेकलक्ष्यं समाधौ पूर्णं तेजस्फुरति भवति पादलाक्षारसांकम्। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे